To start with, please introduce yourselves. Hi, I'm Parmeet, fourth year electrical. I'm Ritvik, I'm from B CML. And I'm Utkarsh, I'm from B Electronics and Computers. Hi everybody, I'm Shani. I'm working in Deloitte, Hyderabad as a business technology analyst. With introduce yourselves. Myself Navni Sharma. Myself Shubham Dudeja. Dankar. Ajay Jindal. सर आप सैट के ओएससी थे अपने टाइम पे और एससीआईसी के प्रेसिडेंट, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मैं तो एक डायरेक्टर सर की पहले दिन जब मैं आया था एक बात कोट करूँगा कि अकेडमिक्स वन आपका एक पेचेक लेके जाते हो आप कॉलेज के बाद जब लेके जाते हो उसमें पहला नंबर वन अकेडमिक्स लगाते हैं और फिर सारे जीरोज सोसाइटीज लगाते हैं तो मैंने पहले वन लगा लिया और फिर शायद सैट एसएससी इन सब ने इतने ज़ीरो भर दिए आगे कि कॉलेज लाइफ बहुत बढ़िया हो गई. अच्छे जूनियर्स मिले, अच्छे सीनियर्स मिले, बहुत सीखने को मिला हर स्टेज ऑफ लाइफ में, बहुत सीखने को मिला और आज भी वो और कहीं ना कहीं उन्हीं एक्सपीरियंस से हमें हर जगह फ़ायदा होता है, कंपनी में, कंपनी के बाहर, लाइफ में. कैसा लग रहा है आपको आज? ये पढ़ा भाई कहीं फीलिंग नहीं है, लग रहा घर आ गया वापस. लग रहा है घर आने वाली फीलिंग भाई. मेरे को घर पे घर नहीं लगता है, यहाँ पे घर लगता है ऑनेस्टली. सबको यही लग रहा है आज, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि ना एक तो मैं डे स्कॉलर था, ठीक है, ज़्यादा हॉस्टल लाइफ इन्जॉय की नहीं मैंने और पिछले लाइक 7 to 8 months से मिले नहीं थे सारे, तो आज सब फ्रेंड्स मिले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है. तो इट्स नाइस डे एंड कॉलेज लाइफ इज द बेस्ट टाइम आई गेस. सो यू ओनली नॉट ओनली द स्टडी, यू मेक योर फ्रेंड्स एंड इफ यू गेट द प्लेसमेंट देन इट्स द बेस्ट मोमेंट. सो रियली रियली हैप्पी. Three things that you should definitely do in college is explore your passion because you never know what your heart lies into. I mean, 12th ke baad, it's a lot you can pursue. So you should explore. Classes, if you really don't want to attend, I wasn't a fan of attending classes. So I did all well. Understand. So yeah, you can utilize that time. Time management, number two. And number three would be, yes, party a lot. Because this time, this will never come back. So. आपका कोई ऐसा प्रैंक जो आपने किसी के ऊपर किया है और आपको बहुत मतलब उसमें मजा आया, आप शेयर करिए. मैंने ऐसे रूमर फैलाया कि इंटरव्यू कॉल होंगे, ठीक है, जो भी सिलेक्टेड है, तो मैंने इंटरव्यू कॉल के नाम पर मैंने किया कि मैं दिस स्पीकिंग टू दिस कंपनी एंड HR हूँ मैं, और मैंने मोहित नाम का लड़का था उसके साथ प्रैंक किया था, तो मैंने जो जो बोला उसको सीरियसली आंसर देना था, सर सर करके बात कर रहा था. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी. एक दोस्त का बर्थडे था, उसको हम कॉल करें तो बोला कि हम लोग ऐसे करके कम्युनिकेशन से बोल रहे हैं एंड आपके इंटरनेट यूसेज के हिसाब से आजकल आप कौन साइट बहुत ज़्यादा देख रहे हो और आपकी एज उतनी नहीं है, तो हमें आपका आधार कार्ड चाहिए होगा. हमने ऐसे बात करी, बंदा डर गया, उसने आधार कार्ड भेज दिया और बाद में रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ पेरेंट्स तक ये बात नहीं जानी चाहिए, मैं आप जो भी बोलोगे मैं करने के लिए रेडी हूँ, आई एम वेरी सॉरी. दिल्ली जाके नॉन वेजिटेरियंस को चाप खिला के उनको पूरी रात ये कंफ्यूज करना कि ये नॉन वेज है, और अगले दिन सब जब उनसे पूछा गया कि कल किसने नॉन वेज खाया, लोग ऐसे उछल रहे हैं, हमने फिर बाद में हमें पीटा. हाँ, थोड़ी सी मार पड़ी बट इट वाज वर्थ. कितने नाइट आउट्स किए? फोर. कितनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं? थ्री. कितनों ने काटा? म्यूचुअल हुआ यार, म्यूचुअल टू वे, म्यूचुअल हुआ यार, म्यूचुअल टू वे. ओह माय गॉड, वाओ, काटा नहीं है, म्यूचुअल हुआ. आपके लिए जग्गी या जीप लो? जग्गी. आपके लिए मेन गेट या बैक गेट? मेन गेट.
एलिवेट या ब्लू स्टेट। और आपके लिए यहाँ पे अगर आपको मैं पूछूँ इम्पोर्टेंट क्या है, सोसाइटीज़ के इवेंट्स या कमरे में बैठ के चिल करना? जी ब्लॉक और जग्गी ब्रू और एलिवेट एलिवेट नेटफ्लिक्स और इवेंट्स इवेंट्स So at the end, was it all worth it? Yes, yes, yes. It was all worth it. G block or Jaggi? Jaggi. Elevator brew. Elevate. Main gate or back gate? Main gate. Back gate वाला हम कुछ काम ही नहीं करते थे। एक कार्तिक करता था ना। शरीफ लोग, शरीफ। Okay, elevator brew. Elevate. Elevate नहीं दिया। ना, उसमें entry करेंगे BST. BST. हमारे लिए BST. Okay. Netflix or events? Events. Events obviously. और पीछे बैठ के Netflix. इवेंट्स में पीछे बैठ के नेटवर्क्स गेट या बैक गेट बैक गेट मेन गेट या बैक गेट बैक गेट बैक गेट या मेन गेट बैक गेट सम अप योर कॉलेज लाइफ इनटू वन बॉलीवुड सॉन्ग वेल आई थिंक इट हैज टू बी तमाशा Seriously, it was just one big tamasha for me. There were ups and downs, but I think at every point in time, I learned something very, very valuable. So college life summed up in one Bollywood movie. दिवाली जी टी रोड तो किन्ने राह निकले कुछ मिल गई नौकरी कुछ हो गई तो